जय हिमालय, जय भारत। हिमालयी लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। मणिपुर को लेकर इस दूसरी कड़ी में मैं यही बताने जा रहा हूं कि आरक्षण तो एक मात्र बहाना है, वास्तव में नशे के माफियाओं का जो गोल्डन ट्रायंगल है उसका भी इस हिंसा में बड़ा हाथ है। यही मैं इस बारे में विस्तार से बताऊंगा, लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूंगा आपसे अनुरोध है कि हिमालयी सभ्यता पर केंद्रित इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। मणिपुर को लेकर पहली वीडियो में मैंने वहाँ के मैती और कुकी समाज के लेकर जानकारी दी और इस बार मैं बता रहा हूँ कि इस जो पूरा वहाँ पे हिंसक आंदोलन चल रहा है कई दिनों से, कुकी और मैती आमने सामने हैं, इसकी मूल वजह क्या है। यह तो आप जानते ही हैं कि जब हाईकोर्ट ने मैती समाज को ST यानी शेड्यूल ट्राइब में शामिल करने का आदेश दिया तो उसके बाद कुकी लोगों ने उसका विरोध किया और वहीं से फिर ये झड़पें शुरू हुई और जिसके बाद कई तरह की अप्रिय घटनाएं सामने आती रहीं। अब मैथी समाज के मिजोरम से पलायन करने की भी जो खबरें आ रही हैं बड़ी डरावनी है, भयावह है और इस क्षेत्र में जितनी जल्दी हो शांति के प्रयास किए जाने चाहिए, शांति बहाल की जानी चाहिए। परंतु इस घटना के पीछे एक बड़ा और भी कारण है। इसमें एक तो नशे के जो व्यापारी हैं माफिया, एक तो वो हैं ही, इसके अलावा जो मणिपुर में बाहरी घुसपैठ हो रही है उसकी तरफ भी किसी का ध्यान नहीं गया है। बांग्लादेशी घुसपैठ जब असम में होती थी या दिल्ली में होती थी तो इसके चर्चा देश भर के समाचार पत्रों में होती रही है, परंतु मणिपुर में जो म्यांमार से अवैध तरीके से कुकी आ रहे हैं उसको लेकर किसी की चिंता नहीं है। मणिपुर के कुकी तो चाहते ही हैं कि तमाम कुकी उनके क्षेत्र में आए, ताकि आज का जो भारत का संविधान है वो ये जनसंख्या को ही महत्व देता है, जिसकी जनसंख्या ज़्यादा उसका वोट बैंक ज़्यादा और उसको ही फल ज़्यादा मिलते हैं। परंतु दूसरी तरफ मैती समाज जो लगातार सिकुड़ता जा रहा है और उनके पास मात्र 10% ही भूमि रह गई है, वे भी चिंतित हैं और वे पहाड़ी इलाकों में बस नहीं सकते हैं क्योंकि ST क्षेत्र में जो गैर ST है वे बस नहीं सकते। यदि उनको ST का दर्जा मिल जाता है तो उनको भी अपनी दूसरी जगह फैलने का, बसने का अवसर मिलेगा, जबकि जो ST हैं यानी शेड्यूल ट्राइब वो कहीं भी बस सकते हैं। इसलिए मैथी समुदाय देख रहा है कि उनके पास जो 10% भूमि बची है उसमें भी दूसरे लोग आ जा रहे हैं, जबकि उनके बसने के रास्ते बंद हो जा रहे हैं। अब जबकि अदालत ने उनके पक्ष में फैसला दे दिया है, उसके विरोध में कुकी समाज जब मैदान में उतर आया तो मैथी भी मैदान में उतर आए। कुछ लोग कहते हैं कि कुकी लोग 18वीं-19वीं सदी में इस क्षेत्र में आए थे, यानी मणिपुर क्षेत्र में, भारत क्षेत्र में, जो मौजूदा भारत है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि प्राचीन काल से इस क्षेत्र में रहते हैं। दरअसल मणिपुर जो देश था पहले, भारत में विलय से पहले जो रियासत थी उसका क्षेत्र म्यांमार तक भी बड़ा था, बाद में यह जरूर सिमट गया और उनका जो प्राचीन क्षेत्र था वहाँ पे रहते होंगे क्योंकि, इसलिए कह सकते हैं कि मणिपुर का जो क्षेत्र प्राचीन था जो कि अब म्यांमार में भी है उस क्षेत्र में कुकी रहते थे, तो इसलिए उनका ये दावा कि वे मणिपुर में रहते थे इस संदर्भ में वो सही हो सकते हैं। बात करते हैं ड्रग माफिया की। इस कारोबार में जो मिजोरम के कुछ प्रतिबंधित संगठन हैं, आतंकवादी समूह, वो भी शामिल हैं। मणिपुर में कुछ प्रतिबंधित संगठन हैं, इनमें मणिपुर पीपुल्स रिवॉल्यूशनरी आर्मी, कांगलेई पाक कम्युनिस्ट पार्टी और यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट, ये प्रतिबंधित संगठन हैं और ये भी नशे के कारोबार में शामिल रहते हैं। वैसे तो पूर्वोत्तर के अधिकतर जो भी इस तरह के आतंकी संगठन हैं वे अवैध वसूली और ड्रग का जो धंधा है उसमें शामिल रहते हैं और इससे उनका कारोबार चलता है, इसी से उनकी जीविका चलती है। इसके अलावा उन्हें विदेशों से भी फंड मिलता है। मणिपुर की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे अवैध तरीके से अफीम की खेती की जाती है और यहाँ से यह अफीम म्यांमार, थाईलैंड और लाओस तक पहुँचाई जाते हैं और इन तीनों देशों को ही गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं। यानी ये कह सकते हैं कि मणिपुर के जो इलाका है वहाँ पर अवैध अफीम की खेती और अन्य जो ड्रग्स हैं उसका कारोबार फल फूल रहा है, जैसे कि अफगानिस्तान में यह फलता फूलता रहा है। प्रशासनिक तौर पर इन माफिया के खिलाफ जब
अंकुश लगाने की कार्रवाई शुरू की गई तो उन्होंने दूसरे तरीके से इस राज्य का माहौल बिगाड़ना शुरू कर दिया। म्यांमार से जुड़े जो सीमा क्षेत्र हैं मणिपुर के, उन पहाड़ी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर अफीम की अवैध खेती होती है और कुकी जो उग्रवादी हैं वे नशे के सौदागरों के साथ मिलकर यह कारोबार करते हैं, यही इन पर आरोप है। चूंकि म्यांमार और भारत की इस क्षेत्र में कुछ सीमा तक क्षेत्र तक दोनों क्षेत्रों के लोग आवाजाही कर सकते हैं और इसका फायदा यह नशे के व्यापारी उठाते हैं। इसके अलावा एक दूसरी समस्या है अवैध घुसपैठ। जिस तरह से कभी असम बांग्लादेशी घुसपैठी से बड़ा परेशान था, उसी तरह अब म्यांमार की घुसपैठ से मणिपुर परेशान है। मणिपुर के जो कुकी लोग हैं वे मणिपुर में बड़ी संख्या में बस रहे हैं और वह क्योंकि वहाँ की जो सेना की जो सरकार है वो इनके खिलाफ कार्रवाई करती है तो वे भारत में शरण लेते हैं और इस यहाँ के कुकी समाज के अंदर घुल मिल जाते हैं। मणिपुर सरकार ने कुछ साल पहले अवैध नागरिकों की पहचान के लिए कैबिनेट की उप समिति बनाई थी। इस समिति ने जांच में पाया कि बड़ी संख्या में लोग अवैध घुसपैठ करके मणिपुर में बसे हैं। वैसे तो जो भारतीय कुकी समाज है इस अवैध घुसपैठ से वह भी परेशान है, लेकिन नेता अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए इस घुसपैठ को बढ़ावा देते हैं। मणिपुर म्यांमार की सीमा से जो सटे इलाके हैं उनमें बड़ी संख्या में कुकी समाज की नई नई बस्तियां बस गई हैं और ये अधिकतर लोग म्यांमार से आए घुसपैठी हैं। इस हिंसा की जो आग है उसको बढ़ाने में दोनों समाजों के, मैतेई समाज के और कुकी समाज के नेता भी आग में घी डालने का काम करते हैं। दोनों ही समाजों के नेता ऐसा करने में विफल रहे हैं कि दोनों समाज मिलजुल कर रहे, प्यार से रहे। एक बात यह भी सामने आई थी कि फरवरी 2021 में म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के बाद वहाँ की सेना ने चीन विद्रोहियों, जिनको कुकी भी कहते हैं, बड़े पैमाने पर उनके खिलाफ अभियान शुरू किया था और इसके बाद कम से कम 50,000 शरणार्थियों ने भारत में शरण ली। इसमें मिजोरम सबसे पहले है। इसी तरह बांग्लादेश के पर्वतीय चटगांव इलाके में भी वहाँ की सेना और सशस्त्र कुकी चीन नेशनल फ्रंट KNF के बीच हिंसक झड़पों के बाद वहाँ के कुकी चिन समुदाय के सैकड़ों लोगों ने सीमा पार करके मिजोरम में शरण ली थी। इसके अलावा बहुत से लोग दूसरे राज्यों की तरफ भी चले गए और इसमें मणिपुर भी शामिल है। वैसे इस मामले में एक और बात देखने की है कि कुकी समाज के जाप वहाँ पर चर्च भी खड़ा रहता है। इसके अलावा झोला टाइप जो NGO भी हैं वे भी खड़े रहते हैं और वह छोटी सी बात को भी बात का बतंगड़ बनाकर देश दुनिया में प्रचारित कर लेते हैं। इससे वहाँ का माहौल सुधरने की बजाय लगातार बिगड़ता रहता है। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में भी कहा था कि महिलाएं किसी भी समाज की हो उनकी इज्जत की जानी चाहिए। वहाँ पे जो भी अप्रिय घटनाएं हुई उसकी हम निंदा करते हैं और यह सभ्य समाज में यह बातें सहनीय नहीं हैं और उम्मीद की जानी चाहिए कि कुकी और मैतेई समाज एक बार फिर से पहले की तरह शांतिपूर्वक प्यार से रहें। तो यह वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें और हिमालयी सभ्यता पर केंद्रित इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए, नए मुद्दे के साथ आऊँगा। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।